ये उल्टा दिखेगा, मैं अभी दिखाना भी नहीं चाहती कि इस पे क्या लिखा हुआ है। ये सीक्रेट है, इसको जानी दुश्मनी है, जानी दुश्मनी। क्या कर रहा है, इसको मत खा। रोटी खा के रज नहीं हुआ, मेरे सूट के मोती खा रहा है। पारो ले 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 ले, ले। लड़ाका शक्टर। ये है बर्थडे बॉय का गिफ्ट, और इससे बढ़िया ऑप्शन मेरे पास और कुछ भी नहीं था। रुके है खाना और हगना, रोटी डालना, खाना और हगना, बस अमर रोटी डाल दो। ये पढ़िए, रोटी खा ले, ये पोटी है, रोटी नहीं है, ये पोटी है। कोई याद कर रहा है आज, मुझे लग रहा है। लंबी नहीं हो सकती मैं, क्योंकि जब बचपन में हिचकियाँ आती थी ना, तो माँ बाप बोलते थे बच्चा बड़ा हो रहा है, और ये बुड्ढी को क्या हो रहा है, हिचकी आ रही है, जा तो ऊपर जाएगी या तो सीधा धरती में क्या। गाइस गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय गुरु जी, कैसे हैं आप सब? और मैं तो ठीक हूँ, और हमेशा आपकी अपने गुरु महाराज से, अपनी माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने घरों में रहें स्वस्थ और मस्त, तंदुरुस्त, और इस गर्मी से अपने आप को बचाएं, खूब सारा पानी पिएं, अपना ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए ब्लॉग में, और आज है 12 जून, यानी कि आज मेरे भतीजे का है बर्थडे। मेरे भाई बने हुए हैं एक विकास, उनके बेटा बासु, आज उसका बर्थडे है फ्रेंड्स, और इवनिंग को उन्होंने एक ग्रैंड पार्टी रखी हुई है। क्या हाल का नाम है, कहाँ पे? अप्सरा, अप्सर, अप्सर गेस्ट हाउस नाम से कोई जगह है वहाँ पे, और मुझे तो नहीं पता, हस्बैंड ही जाएंगे हमें लेके। तो सबसे पहले तो उसे मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। माता रानी गुरु जी इस प्यारे बच्चे को, जो कि बहुत ही होनहार, इंटेलिजेंट और बहुत ही क्यूट है, इसे खूब लंबी उम्र दे, ये जो चाहता है अपनी लाइफ में इसे वो सब मिले। और फिर सेकेंडली पूरे परिवार को, मेरे परिवार की तरफ से कंग्रेचुलेशंस इसकी मम्मा को, इसके पापा को, इसके दादू दादी को, इसके चाचू चाची को, सारी फैमिली को हमारी तरफ से प्यार भरी शुभकामनाएं। हमारा वासु खूब तरक्की करे, पढ़े लिखे, आगे बढ़े। और फ्रेंड्स, बर्थडे के साथ साथ ही आज मुझे एक और इनविटेशन है, वो है गुरुजी का सत्संग का, और जिसे मैं हरगिज छोड़ना नहीं चाहती। एक बार मैंने मन में सोचा कि छोड़ ही देती हूँ, आज नहीं जाती हूँ, लेट हो जाऊँगी, तो कोई बात नहीं, पार्टियाँ तो होती रहती हैं। मेरे गुरुजी का सत्संग अटेंड करते हैं बहुत ही किस्मत वाले लोग, तो आज मैं 5 बजे से लेकर 7 बजे तक है गुरुजी का सत्संग करनाल रोड पे। मुझे आया था इनविटेशन पास, और मैं और मेरी फ्रेंड यानी कि मेरी गुरु बहन, हम दोनों मिलके जाएंगे, और एक और है शिवाली, उसको भी मैं पूछ लूँगी, अगर उसने कहीं नहीं जाना होगा तो वो भी हमारे साथ चल लेगी, और हम जाएंगे गुरुजी का सत्संग अटेंड करने, वहाँ से लेके आएंगे डेरो ब्लेसिंग्स, और उसके बाद फिर से मैं जाऊँगी अपनी फैमिली के साथ बर्थडे पार्टी। यानी कि आज का दिन मेरा होने वाला है बहुत ही बिजी, पूरे दिन मुझे दौड़ भागी रहेगी आज। प्यार का नाखून खा रहा है। और गाइस ये देखो, भुक्खू राम आ गया है दीदी को तंग करने, दीदी खाना खा रही है और ये चढ़ गया उस पे, ये बड़ा ही नॉटी बॉय है, बड़ा ही नॉटी बॉय है हमारा। तो चलो, इस नॉटी बॉय की हरकतें कितनी कैच करूं मैं, कितनी आपको दिखाऊं, तो आप थक जाओगे देखते देखते। इसकी डे बाय डे ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी बातों बातों में इसने मुस्कान को बाइट कर दिया, जबकि इसको मुस्कान कितना प्यार करती है। देखो आ गया अभी, इधर पूरे दिन इसके पीछे पीछे भागो। ओए ओए शरारती, ओए शरारती, ओए शरारती, हट हट, हाउ का 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 मेरा बच्चा। सबको गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो बेबी, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग ही है, क्योंकि अभी 11:30 हुए हैं, 12 बजे के बाद होगी गुड आफ्टरनून, तो इसलिए गुड मॉर्निंग ही है। तो गाइस चलो फिर जल्दी से कर लेते हैं गुरु मंत्र का जाप, ताकि मैं पूरे दिन की व्यस्तता में कहीं भूल ना जाऊँ अपने गुरु महाराज जी को। और गुरु महाराज ऐसा पल मेरी लाइफ में कभी भी ना आए कि जिस दिन मैं आपको, आपका मंत्र जाप करना भूल जाऊँ, और अज्ञानतावश कभी भूल जाऊँ, तो अपनी इस बच्ची को क्षमा करना, मुस्कान उसको मत डिस्टर्ब कर प्लीज़। तो चलो फ्रेंड्स मिलके करते हैं गुरु मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय हो मेरे सच्चे गुरु महाराज। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि तू ना टीर मारती है, टेढ़ी टेढ़ी आंखें दिखती है तेरी फोन में। तो सही बताऊँ ना फ्रेंड्स, अभी तक मुझे ना ये कैमरा तक पकड़ना नहीं आया है। फोन में कैसे मेरे को फेस करना है कैमरा, अभी तक नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। क्योंकि मेरा बेटा मुझे समझाता है, मम्मा ये जहाँ कैमरा है ना उसकी तरफ देखा करो, और अगर मैं उसकी तरफ देख के ऐसे वीडियो बनाती हूँ तो मुझे लगता है मैं आपको नहीं देख रही, और जब मैं आपको ऐसे सीधा डायरेक्ट ऐसे देखती हूँ, क्योंकि मेरा कैमरा एक कॉर्नर में है तो मिडल में नहीं है, तो जब मैं ऐसे सीधी देखती हूँ तो फिर मेरे में कहीं ना कहीं तिरछापन आंखों में आ जाता है। तो बड़ी कोशिश करती हूँ ऐसे करके बात करूँ, बट फिर भी मेरे आंखें झुकी झुकी रहती हैं। क्या हुआ? ओ कटोरी में शुरू हो गया। ओए बुक्खो, तूने हमारी बेइज्जती करा दी। देखो फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बुक्खा तोता है ये, हमारा बुक्खा सा पारू है, जो बुक्खा सा दीदी को रोटी खाने नहीं देता। दीदी की सेहत कहाँ से बनेगी है? सारी रोटी तो तू खा जाता है मेरे नन्ने। जस्ट किडिंग फ्रेंड्स, क्या खाएगा बेचारा वो। तो फ्रेंड्स, बात चल रही थी कि आज का दिन मेरा बहुत ही बिजी है। हाँ, मैं अभी डे वर्क का मैं आज दोपहर को नाश्ता नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी हमने बहुत ही हैवी नाश्ता कर लिया है। दोपहर का नाश्ता कह रही हूँ, सॉरी लंच, क्योंकि बच्चे भी कह रहे थे मम्मा लंच नहीं बनाना आज, हम कुछ लाइट लाइट खा लेंगे। फिर शादी फंक्शनों में जाना हो तो कुछ खाया नहीं जाता, तो क्या फ़ायदा जाके मुफ्त की बदनामी लेने, कुछ खा पी के बदनामी लो ना। तो सच्ची बताऊँ तो एक टाइम था हमें किसी ना किसी फंक्शन का डे, कितने दिन इंतज़ार रहता था, हाय कोई फंक्शन आए, हाय कोई फंक्शन आए, हम ये खाएंगे, हम वो खाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मुस्कान देखना कोई आ गया, देखो आ गए मेरे दुश्मन डिस्टर्ब करने वाले। कोई ना कोई आया रहता है जब भी मैं ये वीडियो बनाऊँ, कृष्णा आ गया, ये कृष्णा का ही काम है, वही ठक ठक कर रहा है। तो फ्रेंड्स बताओ, आजकल की डेट में कुछ खाया ही नहीं जाता, और खा भी लो तो ऐसी पेट में जलन पड़ती है, ऐसी आग लगती है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, बहुत तकलीफ होती है। तो चलो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं करती हूँ अपनी जाने की तैयारी, सबसे पहले सत्संग में। और जिन जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया 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 करके जल्दी से कर दें। मैं एक डेली ब्लॉगर हूँ, और डेली ब्लॉगर की लाइफ में होती हैं उसकी डेली लाइफ की स्टोरीज, और वही मैं आपके साथ आपके लिए लेके आती हूँ। अच्छा है गिफ्ट कृष्णा, तो कृष्णा आया है ट्यूशन पढ़ के, तेरे को भी बनवा दूंगी। अच्छा अभी गाय को सभी को दिखाना मत, इस पर लिखा क्या है, वैसे अच्छी है, ऐसे करके दिखा दे भले ही। मेरा नाम कृष्णा है। ये तेरे लिए नहीं है, ये तेरे छोटे भाई के लिए, तेरे लिए भी बनवाऊंगी मैं, ठीक है? हाँ मैं दे दूंगी ऑर्डर, तेरे लिए भी। ओ भाई सभी का आज थोड़ी बर्थडे है, सोने की है, इसको सोने की चाहिए। मेरी पहले भाई एक ही है मेरे पास, जब जब आपके बर्थडे होंगे ना आप दोनों को भी मिलेगी, ठीक है? मेरा प्रॉमिस रहा। मेरा नाम लिखवाना। हाँ तेरे ही लिखवाऊंगी, तेरे पे अपना थोड़ी लिखवाऊंगी। कैसी बात हो रही है, है ये लल्ली है, मैं नहीं लल्ली। तो लल्ली नहीं है, जल्ली है। देना तेरी चेन होगी तो उसमें तेरा ही नाम लिखा जाएगा, मेरा थोड़ी। जरूरी थोड़ी अपने लिखाओ, कोई जय माता दी भी लिखा सकता है, जय गुरु जी भी लिखवा सकता है। ओके ओके, तो मैं तेरा नाम लिखवाऊंगी मुस्कान, ठीक है? आ गया श्योर फ्रेंड्स मेरे घर में। पारू एक दिन में फेंक देगा, पारू नहीं गले में कुछ पहन सकता। तो आप भी सोचते होंगे कैसे इतने शोर बड़े हैं वो, उसमें मामा हॉल में रहती है तो क्या करूं फ्रेंड्स, ये घर है, गृहस्थी है, इसमें शोर भी होगा, प्यार भी होगा, लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा। बट मुस्कान चुप करो, मैं कुछ बोल रही हूँ, क्या है आपको? बड़े भी नहीं समझते फ्रेंड्स मैं क्या करूँ, क्या हो रहा है मुझे, हिचकी आ गई, मुझे पता नहीं कौन याद कर रहा है। लंबे हो रहे हो, लंबे हो रहे हो। हाँ बचपन में जब हिचके आते थे ना फ्रेंड्स तो सारे बोलते थे लंबे हो रहे हो, लंबे हो रहे हो। अब पता नहीं छोटे हो रहे हैं, हम धरती में घुस रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्या बात चल रही थी, इन बच्चों ने मुझे बुला दी, क्या बात चल रही थी हमारी, क्या चल रही थी बताओ, अभी याद करा? बर्थडे पार्टी तो हो गई कि भाई कुछ खाया नहीं जाता। हाँ मैं आपको बता रही थी कि मैं एक डेली ब्लॉगर हूँ, और डेली ब्लॉगर की लाइफ में जो डेली घटता है वही मैं आपके सामने लेके आती हूँ। और आई होप गाइस आपको ये मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे, आपको थोड़ा इन्जॉयमेंट होती होगी। तो अगर मेरे किसी भी ब्लॉग में कोई आपको गलती या कुछ मिस यूज, ये भी डर आ गया, ये भी मेरा दुश्मन अभी उठ के फिर से इधर आ गया, कुछ भी गलती दिखती होगी फ्रेंड्स मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताया करें कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही कंपलसरी हैं, आपके कमेंट्स मुझे देते हैं प्रेरणा, मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। लो पहले सलमान खान को देख लो सलमान खान को। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं जल्दी से रेडी होती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और ये है गाइस सत्संग वाला घर,
यहाँ पे हम आज गुरुजी ने हमें बुलावा भेजा है जहाँ से, तो अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसीलिए माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर दर्शन कराऊँगी। जय गुरु जी गल्ले, जय गुरु जी गल्ले, जय गुरु। अंदर का नज़ारा बहुत ही भव्य था संगत जी, मैं आपको बता ही नहीं सकती। इतना सुंदर दरबार सजाया हुआ था गुरुजी का, मानो जैसे स्वर्ग हो। और जहाँ भी गुरुजी का दरबार सजता है वो स्वर्ग से कम नहीं होता। और अंदर चल रहे हैं गुरुजी के भजन, सबसे पहले वही जो आपको सबको पता ही है, बजता है वेलकम बैंड और गुरुजी का किया जाता है स्वागत। और बिल्कुल शांत सा माहौल, बिल्कुल शांति, पिन ड्रॉप साइलेंट। गुरुजी के रूल्स ही ऐसे हैं कि शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बस ध्यान मगन रहो, मन ही मन अपने गुरुदेव, अपने गुरु पिता, अपने गुरु महाराज से करो दिल की बातें और उनको सुनाओ अपने मन ही मन कष्ट। पल भर में आपके गुरुदेव कैसे कष्ट दूर करेंगे आप यकीन ही नहीं कर सकते। शुक्र करा वाला भजन सुन के तो मैं बहुत ही प्रसन्न होती हूँ। ओ शुक्र करा तेरा गुरु जी, मैं शुक्र करा। और शुक्र है उन संगत जी का जिन्होंने मुझे इनविटेशन कार्ड भेजा, थैंक यू सो मच। थैंक यू नहीं बोलते वैसे, शुक्राना संगत जी आपका भी और शुक्राना गुरु महाराज आपका भी मुझे अपने दरबार में बुलाने के लिए। यही गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग से आ गई हूँ और जल्दी जल्दी रेडी हो गई हूँ और अपने परिवार के साथ जाने लगी हूँ बर्थडे में। काफ़ी लेट हो गई हूँ, टाइम हो गया है 9 और 7 बजे से पार्टी शुरू हुई है, बट गुरुजी ने आज इतना इम्तिहान लिया मैं आपको बता ही नहीं सकती। और पारू को भी हमने पिंजरे में डाल दिया है क्योंकि ये ना अकेले में ना वो तारों पे चढ़ता है, बिजली की एसी के तार पे चढ़ता है, और पिंजरे में आके इसको बहुत ही बुरा लग रहा है। बाय बाय पारू, बाय बाय, जल्दी करो यार आप भी। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर बर्थडे पार्टी में। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं बर्थडे पार्टी में, अक्सर गेस्ट हाउस में। और ये है हमारा बाजू, उसकी फोटो ये लगी हुई है। ये बैठा हुआ है बर्थडे बॉय, बहुत सारी हलचल हो रही है और डेकोरेशन बहुत ही अच्छा हुई है। परिवार के सारे रिलेटिव्स आ गए हैं और ये कट गया है केक। यहाँ मनाई जा रही है बाजू में बर्थडे और गाया जा रहा है बर्थडे सॉन्ग, हैप्पी बर्थडे, गुरुजी इस पर अपना आशीर्वाद बना के रखें। सारे रिश्तेदार आ गए हैं और मैंने भी स्टेज पे जाके बासु के लिए मैंने बनवाई। फाइनली हम फंक्शन अटेंड करके पहुंच गए घर पे और बहुत ही थकावट हो गई है। आज शाम 4 बजे से मैं बिजी थी बहुत ही ज्यादा और घर पे आई हूँ। पारू को पिंजरे से निकाला और पारू इतना ज्यादा उदास हो गया, कृष्णा भैया को लगातार प्यार कर रहा है डर के मारे कि मुझे फिर से छोड़ना दे। कितने किसी कर रहे हैं बच्चे, किसी कर रहे हैं उसको प्यार ही करे जा रहा है, इतना प्यार कर रहा है, इसको डर हो रहा है, इसको लग रहा है कि मेरे को छोड़ के नहीं चल जाए। पढ़ू मम्मा छोड़ के चल गई थी, किच्ची किच्ची।
मुझे किस नहीं देता, मुझे बाइट करता है, इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस उंगली में। तो चलो फ्रेंड, आज का अपना ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग बेहद पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग माई वीडियो। मिलूंगी कल आपसे, और मैं अब सोने जा रही हूँ। मस्त रहे, व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। क्यों, एक चीज रह गई। जयकार शरा वाली दावल सांचे दरबार की जय।